अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अफसलुस्सलाति वअकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वाला आलिहिल किराम वासहाबिल इज़ाम अजमाइन। क्या ना देखा उस शख्स को जो गुज़रा एक बस्ती पर, दरा हाल के वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों के बल। कहने लगा, क्यों कर जिंदा करेगा इसे अल्लाह ताला इसके हलाक होने के बाद। सो मुर्दा रखा उसे अल्लाह ताला ने 100 साल तक, फिर ज़िंदा किया उसे। फरमाया, कितनी मुद्दत तक तू यहाँ ठहरा रहा? उसने अर्ज़ किया, मैं ठहरा हूँगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि ठहरा रहा है तू 100 साल। अब ज़रा देख अपने खाने और अपने पीने के सामान की तरफ, ये बासी नहीं हुआ। और देख अपने गधे को, और ये सब इसलिए है कि हम बनाएं तुझे निशान लोगों के लिए। और देख इन हड्डियों को कि हम कैसे जोड़ते हैं इन्हें, फिर कैसे हम पहनाते हैं इन्हें गोश्त। फिर जब हकीकत रोशन हो गई उसके लिए, तो उसने कहा, मैं जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम जो हैं वो बनी इसराइल के हवाले से, उनके उरूज व ज़वाल और फिर उनके मुख्तलिफ वाक़यात और उससे सबक हासिल करते हुए उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के लिए रहनमाई और रोशनी का सामान पैदा कर रहे हैं। बनी इसराइल का अव्वलीन उरूज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके खलीफा और नबी हज़रत यूशा बिन नून की क़्यादत में उस कौम को मुयस्सर आया और उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया। और 300 साल के नशेब व फराज के बाद इस कौम को वहाँ पर एक सत्वत और तरक्की और इर्तिका मुयस्सर आया। फ़लस्तीन और इराक जो है, ये बेबलियन तहज़ीब जिसे हम बाबल और नैनवा कहते हैं, उसका मरकज़ था। और यहाँ का जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, उसको नमरूद कहा जाता था, नमारिदा। और फिराउन मिस्र के अंदर फिरायना, ये उनके लकब थे। बुनियादी तौर पर उनके नाम मुख्तलिफ कोई भी हो सकते थे। इराक और फ़लस्तीन, इनका एक क्लैश और कशमकश इब्तदाई से थी, यहाँ तक कि बख्त नसर ने फ़लस्तीन पर हमला किया और इसकी ईंट से ईंट बजा दी। इसी असना में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इस बस्ती से गुज़र हुआ और उन्होंने इसकी हालत देखी। और उस तनाज़र में कुरान पाक की आयत जिसका आज हम मुतालिया करेंगे, और फिर इस बस्ती जो फ़लस्तीन और यरूशलम और उसके बाद एलिया मुख्तलिफ उनवानात से तारीख़ के अंदर मारूफ़ और मोतबर हुई, इनको किसी न किसी तरह बनी इसराइल का जो दूसरा दौर है, जिसमें अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, बड़े उलुल अज़्म पैगंबर जिनको इक्तदार और हुकूमत भी अता हुआ, हैकल सलेमानी तामीर हुआ। और फिर इसी दौरान एक और वाक़या ये रूनुमा हुआ कि इराक और ईरान, ये उस दौर की जो अजीम सल्तनतें थीं, इनका भी बाहमी इक्तसादुम रहता था। ईरान के बादशाह कैखसरो, उसने हमला किया इराक पर और इराक को नुकसान पहुंचाया। और यहाँ फिर इस जंग के नतीजे में यहाँ जो मौजूद बनी इसराइल के लोग थे उनको आज़ादी नसीब हुई और वो दोबारा फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए। और इस निस्बत से ये इलाका और करिया दोबारा इंसानी ज़िंदगी से आशना हुआ। आज के हमारे मज़ामीन बहुत मतनव्व, इसमें बुनियादी जो तसव्वुर है कि हयात बादुल मौत, के किस तरह चीज़ें बिगड़ती हैं और फिर अल्लाह ताला उनको किस तरह संवारता है, हयात के जाविये और पैमाने किस तरह संवरते हैं, और इंसानी बस्तियां किस तरह उरूज और इर्तिका की तरफ जाती हैं और फिर किस तरह पामाल और जवाल का शिकार होती हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी, इसको अल्लाह ताला किस तरह हुस्न खूबी से आरास्ता करता है, और फिर जब उसकी नाफरमानी इंसानों की ज़िंदगी की आदत सानिया बन जाती है, तो वो किस तरह जवाल और पस्ती से दो चार होते हैं।
आज के इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फारूक अल कादरी साहब मौजूद हैं, उनके साथ मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्द का नजराना पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। उनकी तरफ जाने से कबल आज का इस्म मुबारक वलिल्लाहिल अस्मा अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के सारे नाम हैं बड़ी इज़्ज़त अजमत और बरकत वाले हैं, लेकिन आज का हमारा जो इस्म है अलजब्बार, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त। इस्म मुबारक की बरकत यह है कि जो शख्स कसरत के साथ अल्लाह ताला के इस्म मुबारक का विर्द करे, अल्लाह ताला उसको लोगों की नज़र में कबूलियत अता करता है। मुफ्ती साहब, आज का मौजू, इसमें मैंने जो आयत तिलावत करने की सआदत पाई वो 259 259 है, और इससे कबल जो 258 जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और इसमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो इब्तदाई तौर पर मैं चाहूँगा कि आप 258 इसका ख़ुलासा और फिर अपनी गुफ्तगू का इससे आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आयत नंबर 258 सूरह बकरा, ये बड़ी अहम आयत है और इसमें खुसूसी तौर पर कुछ लोगों को तंबीह की गई है। हुआ यूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक शख्स से मुकालमा, मुबासा या मुनाजरा हुआ। वो शख्स कौन था? अक्सर मुफसरीन ने यही कहा है कि वो नमरूद था, जो कि इराक का बादशाह था और उसकी बादशाहत रूए ज़मीन पर फैली हुई थी। नशाए इक्तदार में मस्त होकर वो अपने पैदा करने वाले को फरामोश कर बैठा। उसने अपनी ताकत और अपने इक्तदार के बलबोते पर समझा कि अब मुझसे बढ़कर ताकत वाला कोई और नहीं है, मैं तमाम लोगों की गर्दनों का मालिक हूँ, और बेलगाम हाथी की तरह वो फैसले करता था। और उसने एक मौका ऐसा आया कि इसी ताकत के नशे में बड़े गुरूर और तकब्बुर और रऊनत के साथ बहुत बड़ी बात कह दी। उसने ये कहा कि मैं ही खुदा हूँ, उसने अपने रब होने का दावा कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो किरदार अदा किया, उसी किरदार से रोशनी लेकर हज़रत मुजद्दिद साहब ने भी अपने ज़माने में दीन अकबरी के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलम जिहाद बुलंद करते हुए एक मुतकब्बिर के तकब्बुर को खाक आलूद करने का अलम उठाया, और आपने उससे फरमाया कि तू जो कह रहा है ये बेबुनियाद बातें हैं, अभी भी वक्त है, तू हिदायत और तौहीद की तरफ पलटा। ये वाक्या कब पेश आया? क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में जाने से पहले पेश आया या बाद में पेश आया? दोनों तरह की रिवायात हैं, कुछ कहते हैं पहले पेश आया, कुछ कहते हैं बाद में पेश आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की बात की तो नमरूद ने पूछा कि जिस खालिक, जिस मालिक की आप बातें कर रहे हैं वो कौन है, उसकी क्या सिफत है, क्या खूबी है, क्या शान है, हमें कुछ बताएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक नमरूद से कहा, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो बंदों को अदम से वजूद में लाता है, सुभानअल्लाह, उनको नेस्त से हस्त करता है, उनको पैदा करता है, एक बेजान नुतफे से पैदा करता है, फिर ऐसी तस्वीर कशी और फिर जिस्म पहनाता है, रूह डालता है, और फिर इंसान तुम्हें नज़र आते हैं, और फिर वो ही इस बच्चे को बचपन से लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे और अर्जले उम्र तक लाकर मौत देता है। तो नमरूद ने ये सुना, उसे चाहिए तो ये था अब इस दलील की हकीकत को समझते हुए कबूल कर लेता,
लेकिन डॉक्टर साहब बुरा हो नशाए इक्तदार का, जिसे ये चढ़ जाए वो इस नशे में हकायक को और फिर नताइज को दोनों को फरामोश करता है और नतीजा फिर बर्बादी और तबाही की सूरत में निकलता है। ऐसा ही हुआ नमरूद के साथ। उसने बड़े तकब्बुर में कहा, आना उही व उम्मीद, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ। उसने दो लोगों को बुलाया, एक को कत्ल की सज़ा मिली थी और दूसरे को रिहा कर दिया गया था। उसने जिसको सज़ा के तौर पर कत्ल का हुक्म जारी हुआ था उसको छोड़ दिया और जो रिहा हुआ था उसको कत्ल करने का आर्डर दे दिया। अब देखा जाए तो इन दोनों दलीलों की कोई मुताबकत नहीं है। कहाँ एक ज़िंदा इंसान को मारना, अपने कत्ल करना और उसको रिहा करना, और कहाँ है एक बेजान नुतफे से खल्क करना, कोई मुताबकत नहीं थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके इस जवाब से उसकी ज़हनी सतह को समझ गए कि ये तो अहमक आदमी है, इतनी बुलंद पाया दलील की हकीकत को ये नहीं समझ सकता। तो आपने उसको उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक पहली दलील से ज़रा नीचे दर्जे की दलील दी जिसको ये समझ सके। आपने फरमाया, फ़इन्नल्लाह यती बिशम्स मिनल मशरिक फ़ती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू अपनी ज़ात में इलाह होने का दावा करता है तू सूरज को मगरिब से तुलू कर और मशरिक में गुरूब कर दे। अब कुरान कहता है जब नमरूद और उसके हवारियों ने यह दलील सुनी, फबुहितल्लज़ी कफर, तो वो मबहूत होकर रह गए, उनके होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। तो जब ये हो नहीं सकता तो फिर तुम्हें दावा भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल वो इसका जवाब ना दे सके। दलाइले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन कर लाजवाब होने के बावजूद ताकत में मस्त होकर उन्होंने फिर भी हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नाफरमान को सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। डॉक्टर साहब उसने 800 साल हुकूमत की है, 400 साल वो इसी तरह तकब्बुर और रौनत में रहा और 400 साल आइंदा उसकी ज़िल्लत में गुज़रे। वो यूं कि अल्लाह ने एक मच्छर उसके दिमाग में डाल दिया जो 400 साल उसके दिमाग में रहा और 400 साल वो इस ज़िल्लत में उसने ज़िंदगी गुजारी कि वो लोगों से अपने सर पर थप्पड़ मरवाता, बाज़ों का जूते मरवाता और इससे सख्त चीज़ मरवाता जिससे उसको कुछ लम्हों के लिए रिलीफ मिलता था, और इसी अजियत और तकलीफ़ में बिलाखिर उसकी मौत हो गई। इस वाक़े का दो बुनियादी मकसद हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला ही ज़िंदा करने वाला और पैदा करने वाला है और मौत देने वाला है। जिस तरह वो तुम्हें ये हयात देता है इसी तरह तुम्हारे मरने के बाद भी वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। और दूसरा इसमें बुनियादी सबक ये दिया गया कि कभी भी तकब्बुर और गुरूर का इंजाम हुस्न और खैर की सूरत में नहीं होता। तारीख भरी पड़ी है, सिर्फ मुतकब्बिर एक ही ज़ात है और वह अल्लाह की ज़ात है जो उसके सामने सर उठाकर बड़े बोल बोलता है और अपनी ज़ात में कोई बड़ा होने का दावा करता है। अल्लाह ताला फिर उसको इबरत का निशान बनाकर उसका नामो निशान तक मिटा देता है। मुफ्ती साहब, आज का दूसरा जो इससे मुतसिल मौजू है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने
हयात बाद मौत का करिश्मा दिखाया और शहर किस तरह आबाद हुए और इंसान जो है वो किस तरह दोबारा सरसब्ज हुए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ मुत्तसिलन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र है। अभी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि निमरूद जो मौत व हयात का मफहूम लोगों को धोखा देने के लिए उसने और तरह का इजहार किया था, तो इससे मुत्तसिल आयत में बताया जा रहा है कि मौत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, आपने पहले बयान फरमाया है, आपने देखा और फिर कहा कि इस बस्ती को और इन लोगों को अल्लाह किस तरह ज़िंदा करेगा। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ, नबी को इस मामले में कभी भी शक नहीं होता। नबी की ज़ात हर किस्म के शक से पाक होती है। अल्लाह के हवाले से नबी का अकीदा कती होता है और इस तरह के मामलात में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वो सवाल इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तबारक व ताला इस सारे मामले का उन्हें मुशाहदा करवाए। बाज़ लोगों को गलतफहमी होती है, उनको गलतफहमी निकाल लेनी चाहिए। ये मुशाहदे भी अल्लाह हर किसी को नहीं करवाता, ये अपने नबियों की शान दिखाने के लिए उन्हें मुशाहदा करवाता है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के और भी बहुत सारे मकाम हैं, आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी मुशाहदे वाली बात आ रही है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, रब्बे अरिनी अंज़ुर इलैक, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपना आप दिखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, तुम देख नहीं सकोगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार हुआ तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि पहाड़ पर तजल्ली डालते हैं, अगर उसे तुमने देख लिया तो फिर मेरे देखने की बात भी करना। अब कह दिया था, सिर्फ ना नहीं की, अल्लाह नबियों की शान दिखाता है, कोई ये ना कह दे कि अम्बिया कहें भी सही तो रब नहीं मानता, अम्बिया की अपनी शान है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जब उन्होंने ये कहा कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुशाहदा करवाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने मौत तारी फरमा दी और ये हकीकी मौत थी, मौत तारी फरमा दी और मौत तारी फरमाने के बाद 100 साल के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। अल्लाह ने पूछा उज़ैर बताओ तुम कितना देर तक ठहरे रहे हो, तो उन्होंने कहा एक दिन या आधा दिन, और अल्लाह ने फरमाया नहीं तुम तो 100 साल इस तरह रहे हो। लेकिन आगे डॉक्टर साहब जो कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उज़ैर तुम देखो अपने खाने को, वो ख़राब नहीं हुआ, और गधे को तुम देखो वो गल सड़ चुका है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने की है, किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल लेटे रहे और 100 साल उन पर मौत तारी रही, उठे तो उन्होंने कहा कि एक दिन या आधा दिन, तो किसी के जहन में ये खलच पैदा हो सकती थी कि फिर अल्लाह के नबी को तो पता नहीं था, उन्होंने तो एक दिन और आधे दिन की बात की है और वहाँ तो 100 साल है। आगे जो मिसाल है उस मिसाल में ये वाजे कर दिया गया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक दिन और आधा दिन कहना वो भी ठीक है, वाह, और 100 साल वो भी ठीक है। 100 साल को देखना हो तो गधे की हालत को देख लें, और एक दिन और आधे दिन के मिसदाक को देखना हो तो वो खाने को देख लें। क्या कहने, वो खाने को कुछ भी नहीं हुआ, फ़र्क भी नहीं सुभान हुआ अल्लाह। तो इसमें ये बताया गया अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि 100 साल को किसी पर एक दिन या आधा दिन गुजार जितना गुजारे, और आधे दिन और एक दिन किसी पर गुजरे और दूसरे पर पूरा 100 साल गुजरे। बाज लोगों को ये आयतें पढ़कर जो लोग तवज्जो नहीं करते या उलमा से सही रहनुमाई नहीं लेते, वो फौरन इस तरफ चले जाते हैं कि देखें जी अल्लाह ने पूछा और नबी ने फौरन कह दिया कि मैं एक दिन या आधा दिन, तो वो तो हालांकि 100 साल थे। तो नबी की तरफ ऐसी बात की निस्बत करने से पहले किसी आलिम दीन से, किसी बुज़ुर्ग से रहनुमाई ले लेनी चाहिए। आगे जो मिसाल आई है कुरान मजीद ने जो मिसाल दी है, वो खाने को हुआ कुछ नहीं और गधे की हालत जो है वाज़े कुरान मजीद में है, तो बता दिया गया कि 100 साल भी बरहक है और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक दिन या आधा दिन कहना वो भी बरहक है। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिर उस गधे को जिस तरह ने आपने पहले तर्जमे में और बताया है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा करके हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं रब इस बात पर कादिर हूँ, दिखाया मैं कादिर हूँ कि मैं चाहूँ तो मुर्दे को ज़िंदगी अता फरमा सकता हूँ और ये हड्डियाँ जुड़ जाएंगी, हड्डियाँ जुड़ने के बाद फिर इन पर गोश्त आ जाएगा, इसमें जान आ जाएगी, इसी तरह
मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ कि एक चीज़ दुनिया से ख़त्म हो चुकी हो, मर चुकी हो, मैं उसे भी दोबारा ज़िंदगी अता कर सकता। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब, एक तो ये इस वाक़े के ज़रिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो हैसियत है वो बहुत मोतबर है, और फिर उनकी तजदीदी और इस्लाही काविशें और मसाई जो हैं ये भी तारीख़ दावत व इरशाद का एक बड़ा अहम बाब है, इस पर भी थोड़ी आप हमें रोशनी अता करें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर जो बनी इसराइल के मूसा अलैह जो अकायद में ख़राबी पैदा हो गई थी उस पर बहुत लोगों की इस्लाह और आपने उनके नज़रियात की तजदीद फरमाई। यूं ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर का ये जो ख़ास वाक़या पेश आया है उस वाक़े के पस मंज़र में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी बनी इसराइल के जवाल की दास्तान छुपी हुई है। ये 586 कबल मसीह का वाक़या बताया जाता है, और उस दौर में बख्त नसर जो बादशाह था उसने बैतुल मुकद्दस को उजाड़ कर रख दिया था। ये जिस बस्ती का इस आयत में ज़िक्र है उससे मुराद वही बैतुल मुकद्दस है। बनी इसराइल ने जब अकायद की और नज़रियात की जो पस्ती और जवाल दिखाया तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर जालिम हुकमरान बख्त नसर मुसल्लत किया था। अच्छा, ये कल वाली आयत में भी उससे कबल भी हम बात कर चुके हैं, ये कानून कुदरत रहा है, अल्लाह ताला की कुछ सुन्नतें हैं, और सुन्नत इलाहिया जो सुनन इलाहिया हैं वो कुरान मजीद का एक ख़ास एक उन्वान भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला की ख़ास सुनन का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला का तरीका क्या है, क्या हो तो वो क्या कर देता है। उनमें से एक ये उस मालिक की ये सुन्नत है कि जब कौम अपने राह से अपने मकसद से अपनी ज़िम्मेदारी से हटती है तो अल्लाह उन पर ज़ालिम हुकमरान मुसल्लत करता है, और वो ज़िम्मेदारी कौन सी, अल्लाह रसूल की पैरवी, जिसके लिए उन्हें धरती मिली, उनको ज़िंदगी मिली, उनको दीन मिला। ऐसा ही हुआ बनी इसराइल के साथ, बख्त नसर मुसल्लत हुआ और उसने उजाड़ कर रख दिया, तबाही बर्बादी कर दी। इवन के जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस इस बस्ती में आए तो सारे ही मर चुके थे, मकानात गिर गए थे, कोई ज़ीरू वहाँ मौजूद नहीं, सब कुछ उजड़ गया और था। कोई दो ईंटें नहीं थी जो सलामत हों। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये कहा था कि ये सब कैसे ज़िंदा होंगे। तो अब यहाँ ये भी मैं बात जिक्र कर दूँ, आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आ रहा है, कैफा का लफ्ज़ आ रहा है, कैफा के ज़रिए जो सवाल किया जाता है ना, उसका सवाल का मकसद ग्रामेटिकली ये होता है कि सवाल करने वाले को इस चीज़ की वजूद का यकीन है, सिर्फ हालत दरियाफ्त करना चाह रहा है। वाह। तो हज़रत इब्राहीम या तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये यकीन था कि वो मालिक ज़िंदा करता है, वो हालत क्या होती है ज़िंदगी की, वो हालत वो देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे? ताकि कल्ब में इत्मीनान बढ़ जाए। सुभान। तो इससे पता चला कि इत्मीनान कल्बी के इजाफे के लिए भी सवाल करना जायज़ है, एक मुरीद का शेख से, एक शागिर्द का उस्ताद से, ताकि उसके कल्बी मुशाहदे में इजाफा हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर यह 100 साल की हालत तारी फरमाई। जब आप 100 साल बाद बेदार हुए तो उसी दौरान ईरान का एक बादशाह, इसी 100 साल अरसे के दरमियान ही तकरीबन 70 साल गुजरे थे, तो ईरान का एक बादशाह अपनी फ़ौजें लेकर आया, और जो बख्त नसर के ज़ालिम सिपाही थे उनसे इस बस्ती को आज़ाद करवाया, फिर उसको नए सिरे से बादशाह को ज़ुल्कुरनैन भी कहा गया है या कह खसरो भी है, इस तरह का नाम मुख्तलिफ वाक़ियात जिक्र किए गए हैं। तो उसने फिर इसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में नए सिरे से आबाद किया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब जागे तो आपने ये सारी हालत देखी तो आप भी बड़े हैरान हुए, और उस वक्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फिर अपनी बस्ती में गए तो सारे लोग आपके ज़माने के तो दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ़ एक बुढ़िया बाकी थी, उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पहचाना
اور اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی شناخت ہوئی، پھر آپ نے کتاب تورات سنائی لوگوں کو، پھر تورات کا نسخہ تو موجود نہیں تھا، آپ کی نشاندہی پر خاص مقام سے نسخہ نکالا گیا، وہ میچ کیا گیا جو آپ نے سنایا اور اس نسخے کے ساتھ، تو وہ ایک ایک لفظ وہی تھا جو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، تو یوں لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قائل ہوئے۔ آگے مفتی صاحب جو آ رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اس پر میں چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کے ایام بھی ہیں اور مفتی صاحب کی بلانے بڑی خوبصورتی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ بات فرمائی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو شریعت نے وقار دیا ہے، جس رسول کرم نے عورت کو آ کر عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کے لیے اسی پاک نبی نے پردہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو میری ماں بہن کو احتیاط کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کبھی بیٹیاں میں بہنیں بے پردہ ہوں تو مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ واہ، پہلے خواتین پردہ کریں اور اگر وہاں کوئی بے احتیاطی ہے تو پھر مردوں کو احتیاط کر لینی چاہیے، انہیں اپنی نظریں جھکا لینی چاہیے، اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اگلی آیات میں خرچ کا ذکر ہے اللہ کے راستے میں، ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جو ہماری جیب لگی ہوتی ہے یہ بالکل دل کے اوپر لگی ہے، تو مال بھی اسی میں ہوتا ہے، تو جب آپ مال کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو پھر عجیب سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں جان حاضر ہے، مال کا مشکل مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کو بیان فرماتے ہوئے جس مثال کو دیا ہے، کہا کہ یہ مت سوچنا کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، بلکہ خرچ کرو گے تو بڑھے گا۔ واہ سبحان اللہ، تم کاروبار کرتے ہو، کاروبار بھی اسی لیے کرتے ہو نا، تمہیں پرافٹ ملے گا، نفع ہوگا، تو اس میں کوئی یقینی گارنٹی نہیں ہوتی، کاروبار میں کبھی نفع بھی ہوتا ہے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، اسی لیے تجارت کا ثواب ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ اور قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ آپ ایک روپیہ خرچ کریں گے تو 700 تک آپ کو ثواب ملے گا، آگے قرآن مجید نے جو کہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ، تمہارے خلوص کو دیکھ کر، تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہاری نیت کو دیکھ کر، اللہ جتنا چاہے بڑھا کے دینا چاہے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، جسے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خوش دلی سے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، مال حلال سے خرچ کرو، ریاکاری کی لعنت سے پاک ہو کر خرچ کرو، جس نے تمہیں یہ سب کچھ بڑھا کے دینا ہے اسی کے دیے ہوئے میں سے صرف اسی کی رضا کے لیے خرچ، سبحان اللہ۔ اور آگے یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس پر مفتی صاحب بھی آگے بات کریں گے، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر ریاکاری آ گئی تو مال خرچ کیا ہوا بھی برباد ہوگا، الٹا گناہ بھی ہوگا، اللہ۔ اور اگر خرچ کر کے، قرآن مجید نے آگے واضح طور پر کہا ہے آپ نے جس کو دیا ہے اسے احسان جتائیں گے تو بھی سب کچھ ختم، اسے اگر تکلیف دیں گے منہ اٹھا کے چلے آتے ہو تو بھی سب کچھ ختم۔ میں اس پر رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انا ہدیت اللہ الی العبد السائل علی بابہ، کہ اللہ کا تحفہ ہے بندے کے لیے کہ کوئی اس کے دروازے پر سوالی بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ یہ دروازہ اس کو دے دیتا اور اس گھر والے کو سوالی بنا دیتا، اللہ نے پہلے آپ کو در دیا ہے، مال دیا ہے، پھر کسی کو آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، اس لیے اگر کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو ستائیں نا اور بعد میں احسان کر کے جتائیں نا، بلکہ یہ سمجھیں اللہ کا بندہ میرے پاس آیا ہے اور اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور میں کون سا اپنا مال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں۔
یہ مفتی صاحب یہ جو آیت اور اس میں آخری اس کا جو پورشن ہے اس تک بالعموم ہمارا فہم پہنچتا نہیں ہے، دیتے ہیں اور پھر جس انداز میں دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایام بطور خاص اس حوالے سے بڑے معتبر ہیں، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کم علمی نافہمی میں بھی ان سے کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو دین کا مقصود اور مطلوب نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر لوگوں میں کو دو باتوں پر کلام کروں گا، ایک اسی پر جو آپ فرما رہے ہیں اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات میں، کہ کیلکولیشن تو یہی کہتی ہے کہ دینے سے کم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑھا دیتا ہوں اور پھر وہاں سے دوں گا۔ روئے زمین پر آج تک کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے دیا اور میرا کم ہو گیا۔ واہ، ہر ایک کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کی ذاتی جو مشاہدات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بس ایسا سبب بنا ہے کہ بڑھ گیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات ہے کاش سمجھ آ جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے کئی دوست ملے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال اور اللہ کا شکر ہے ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ایک دو گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے، تو حدیث ہی میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی ربی زد امتی، سبحان اے اللہ میری امت کے لیے 700 سے بھی اجر بڑھا دے۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس کا ہم نے کل ڈسکشن کی تھی، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے گویا کہ قرض حسنا دیتا ہے، اللہ اس کو کئی گنا بڑا جڑا کر دیتا ہے۔ اب اضعافا کثیرا کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، کتنا بڑا کر دیتا۔ حضور نے پھر عرض کی ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اس سے بھی بڑھا دے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی انما یوفی الصابرون، جو دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ہم ان کو بغیر حساب کے اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتے، اتنا دیتے ہیں جو شمار اور گنتی میں نہیں آتا۔ اب دینے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، یہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، اس کے بغیر دیا ہوا بھی بیکار، کل قیامت کچھ نہیں ملے گا۔ اسی کی مثال دی گئی ہے آیت نمبر 266 میں کہ ایک شخص کا بڑا خوبصورت باغ تھا اور بڑا عمدہ میوہ جات اور اس کی پیداوار تھی اور اس کے نفع اور فوائد تھے، اس آدمی کے بچے چھوٹے تھے مال کے باغ کے مالک کے، اس نے سوچا کہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اب وہ اچانک بیمار ہو گیا، بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں تو عمر بھی اس کی بڑی ہوئی ہے، ابھی بچے اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ کما سکیں، وہی باغ اس کا کل متا اور سہارا اور اس کی سپورٹ تھا، اچانک آگ کا ایک بگولا آیا، سارا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ اب اس شخص کے غم اور اندوہ کا کیا عالم ہوگا جس کا کل دار و مدار اس باغ پر تھا؟ اللہ فرماتا ہے یہی حال ہوگا اس شخص کا جس نے دنیا میں بہت کچھ دیا اور اپنی دانش میں سمجھا کہ میں نے جتنا دیا ہے اس کا بڑا اجر اور ثواب کا ذخیرہ ہوگا کل قیامت میرے لیے، لیکن اس میں ریاکاری تھی، لوگوں کو اذیت دینا تھا اور دوسروں کے سامنے اپنی ذات کو نمایاں دکھانا مقصود تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو جتنا اس نے دیا تھا وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ، تم یہ سوچو کہ اس شخص کے غم اور اندوہ کا کیا عالم ہوگا، اس کی حسرت اور بے بسی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مثال دے کر دراصل بندے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو دینا ہے تھوڑا دو یا زیادہ دو، دو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کوالٹی ہو کوانٹیٹی پہ نہ جاؤ، کوانٹیٹی پہ نہ جاؤ، مقدار جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہو وہی بہتر۔ اخلاص کمنٹ کوئی مفتی صاحب آپ کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، صرف خرچ تک ہی نہیں، انسان جتنے بھی نیک کام کرتا ہے جہاں بھی ریاکاری آئے گی، آخرت کے دن جب اس کے لیے کمانے کا موقع نہیں ہوگا، یہ کمائی وہاں اس ریاکاری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی عالم اس کے علم میں ریاکاری ہے
कोई हाजी उसके हज में रियाकारी है, कोई कारी उसकी किरात में रियाकारी है, कोई सखी उसकी सखावत में रियाकारी है। रिया जहाँ भी आएगा बंदा तबाह होगा। हर काम को लिल्लाहियत के जज्बे से करना चाहिए ताकि आखरत में बंदा उठे तो दामन झाड़ के ना उठे, दामन में कुछ ले के उठे। और अल्लाह हमने इससे महफूज रखे रिया से। और हज़रत सुल्तान साहब ने तो ये कहा था, बाद फ़कीरा किसी ने मारे अब्बाहू चोर अंदरदा हूँ, और फिर किसी ने उस पर कमेंट किया था कि मरता वहाँ भी नहीं ज़रा कम हो जाता है। बहरहाल ये किसी की राय थी। आज का जो मौजूआत थे आज के बहुत अहम थे, बड़े बसीत और बड़े वसी, और उस पर बहुत मबसूत गुफ्तगू की हमारे उलमा ने, स्कॉलर्स ने। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब का, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब का। हमदे बारी ताला की तरफ बढ़ने से कबल आज का वजीफ़ा और वज़ाइफ़ का बड़ा इंतज़ार भी रहता है लोगों को हर किस्म की मुसीबत से निजात। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में मुबतला हो तो वह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 3, 7 दिन तक 7,700 मरतबा पढ़े। आयत नंबर 3 यह है, वतवक्कल अल्लाह वकफ़ा बिल्लाह वकीला, तो अल्लाह ताला उसे हर किस्म की मुसीबत से निजात अता करेगा। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। ऐब में खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, और तेरी जानिब ये मुश्ते खाक उड़े,
तेरी जानिब ये मुझसे खाक उड़े भेज ऐसी कोई हवा या रब भेज ऐसी कोई हवा या रब और तू हसन को उठा हसन कर के तू हसन को उठा हसन कर के हो माल खैर खातिमा या रब दर्दे दिल कर मुझे अता